गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये आप लोग का BSc थर्ड ईयर का क्लास है। आप लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म, जिसमें आप लोग डाई मैग्नेटिज्म पढ़ चुके हैं, पैरा मैग्नेटिज्म पढ़ चुके हैं। अब नाउ दिस इज द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक एक पैरा मैग्नेटिक की तरह ही थोड़ा प्रॉपर्टी है, विच इज़ परमानेंटली मैग्नेट। किसी भी सब्सटेंस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और वो एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट रिप्रेजेंट करता है, दैट इज सेड टू बी अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑफ द प्रॉपर्टी। इसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी कहा जाता है, जिसमें नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी सब्सटेंस में से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो एक अच्छे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसमें से जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना बंद कर देते हैं तो भी वो एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ। दैट इज सेड टू बी अ फेरोमैग्नेटिक। पैरा और फेरो में सिर्फ इतना अंतर है कि पैरा मैग्नेटिज्म के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना बंद कर दे, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे कम होकर खत्म हो जाती है। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर जब अप्लाई करते हैं वो एज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ बिहेव करते हैं। This is the difference between the paramagnetism. इसी को समझने के लिए explanation for the paramagnetism formation is कि पूरे क्रोमन्स हैं। क्रोमन्स के अंदर स्मॉल पार्ट्स के ऊपर आयन्स जो हैं वो जम जाते हैं, सैचुरेटेड हैं। इस छोटे छोटे रीजन्स को ही डोमेन्स कहा जाता है। मतलब एक बड़ा सॉलिडिक सब्सटेंस है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, और उसके अंदर छोटे छोटे एक ऐसे ब्लॉक बन जाते हैं जो आयन्स को इकट्ठा कर लेते हैं। दैट स्मॉल ब्लॉक इज सेड टू बी अ डोमेन कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर एक डोमेन का स्ट्रक्चर है। इसमें जब सब्सटेंस के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सारे पार्टिकल्स का अलाइनमेंट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में और एक ब्लॉक टाइप बनाने में, दिस ब्लॉकिंग बॉल इज सेपरेटली अ डोमेन कहा जाता है। कुछ सेपरेट द डोमेन्स, ये बॉल्स होती हैं, दी जो बीच में लाइनें खींची गई, दीज आर द बॉल्स विच सेपरेट द टू डोमेन्स को अलग करने का काम करते हैं। और इसकी वैल्यू जो है फ्यू एंगम स्ट्रॉन्ग होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, जिसके कारण जो आयन्स है वन फॉर्म टू अनदर ट्रैवल नहीं कर। मैग्नेटिक डोमेन्स में ये डोमेन्स के अंदर स्पिन सभी की पैरेलल होती है, दैट यू कैन सी ऑल द डोमेन्स के अंदर जितने भी आयन्स हैं वो सभी पैरेलली अलाइन होते हैं, और डोमेन्स के बाहर जितने भी आयन्स हैं वो अलग अलग अलाइन हैं। एंड गिव राइज अ वेरी लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। वाइस फील्ड एक्चुअली इन टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये तब होता है जब डोमेन फिजिकली फोर्सेस टू अचीव द स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी तक पहुँचने के लिए उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। जब इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी तो पार्टिकल मोर स्टेबल रहेंगे, स्टेबल के कारण उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सब्सटेंस में से अगर मैग्नेटिक फील्ड को पास कराया जाता है तो सारे के सारे पार्टिकल्स डोमेन्स के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। डोमेन्स के अंदर जब कलेक्ट होके बाउंड हो जाते हैं तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है मोर स्टेबिलिटी रहेगी, जिसके कारण वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करते हैं। दिस आर द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म।